हेलो दोस्तों दोस्तों आज हमारे पास बेंटेक्स एस के मॉडल जो स्टार्टर है वो रिपेयर होने के लिए आया है। दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट आता है, किस प्रकार से इसके कॉन्टैक्टर की जो पत्ती होती है वो ख़राब हो जाती है, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। दोस्तों देखिए बेंटेक्स एस के ऑयल स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसकी रिले रेंज जो कि 14 एम्पीयर से लेके 22 एम्पीयर तक इसकी रिले रेंज है, और मोटर करंट कितना ले सकती है 25 एम्पीयर से 35 एम्पीयर के बीच में, और कितने एचपी की ये मोटर को चला सकता है 20 एचपी, और कोयल की जो वोल्टेज है वो 415। तो दोस्तों इसके पास 415 से लेके या फिर 500 वोल्टेज तक आ भी जाए तो ये स्टार्टर सही काम करता है। और दोस्तों ये रिले रेंज है इसकी, रिले अगर आपकी रिले 14 से 22 एम्पीयर से ऊपर जाती है तो ये रिले जो है कट कर देगी। रिले यहाँ पर होती है, रिले यानी कि अगर 22 एम्पीयर से ऊपर रिले ये नहीं दे सकेगी तब ये ऑटोमेटिक ही कट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रिले सिस्टम लगा है कट करने के लिए, स्टार्ट को ही देखिए इस प्रकार से ये ऑफ हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ओवरलोड होगा हमारा जो स्टार्टर तब ऐसे ये ऊपर उठ जाएगी, तब स्टार्टर जो है हमारा वो ऑफ हो जाएगा और मोटर आपकी तुरंत बंद हो जाएगी। अब दोस्तों इसके अगर एम्पीयर की बात करें मोटर की, ये 25 एम्पीयर से लेके 35 एम्पीयर तक स्टार्टर ले सकता है, 35 से अगर थोड़ा एक दो एम्पीयर ऊपर भी चला जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने एम्पीयर और बढ़ाने हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा, जो रिले होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रेंज की डालनी पड़ेगी, जैसे 40 एम्पीयर की, तब आपका स्टार्टर जो है 20 एचपी से ऊपर की मोटर को भी चला सकेगा। अब दोस्तों देखिए अंदर से ये कैसा है, किस प्रकार से इसके स्विच की जो है वायरिंग की गई है। दोस्तों कभी भी कोई स्टार्टर को चलाने से पहले उसके स्विच की वायर ज़रूर देखनी चाहिए रिपेयर करने से पहले, क्योंकि स्विच में कैसे वायरिंग की जाती है। देखिए यहाँ पर हमारी मोटर की वायर लगेगी, यहाँ पर भी मोटर की वायर लगेगी। जो मोटर की तीन तार होती है ब्लू येलो और रेड, इस प्रकार से यहाँ पर लगाई जाएंगी, दूसरी केबल हमारी यहाँ पर टाइट होगी। यहाँ पर जो ग्रिप में वायर आती है 415 वोल्ट की जो वायर होती है, मोटी वायर जो हमारे ग्रिप में से आती है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। अब एक चीज़ इसमें रहती है, ये येलो वायर जो हमारी है खुली हुई है, क्योंकि दोस्तों इसको खुद कस्टमर लेके आया है, क्योंकि ये येलो वायर इसमें यहाँ पर ऑटो स्विच लगाया था इसलिए इसको खोल रखा है। अब ये वायर हमारी येलो बटन पे ही लगेगी, देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर टाइट करेंगे, और ये हमारा रेड स्विच है, इसमें एक वायर यहाँ से हम उठाएँगे और यहाँ पर देंगे, ये सप्लाई की है L1 की, यहाँ से इसमें देंगे। दोस्तों पहले इसकी रिपेयर करते हैं फिर बाद में इसको चेक करके आपको दिखाएंगे और वायरिंग भी इसकी करेंगे। अब दोस्तों इसके कॉन्टैक्टर दिखाते हैं, नीचे से कॉन्टैक्टर कैसे हैं। अब थोड़ा सा इसको हम इसका निचला हिस्सा जो है उसको ऊपर करेंगे, ये देखिए किस प्रकार का है। यहाँ पर दोस्तों जो ओल्ड मॉडल थे SKN मॉडल उनके अंदर डब्बी थी, लेकिन इसमें डब्बी नहीं है, यहाँ पर सीधी यहाँ पर पत्तियाँ दी गई हैं, ये देखिए थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं सही में। अब एक बार इसको पलटते हैं, अब इसको हमने पलट दिया है, ये देखिए इसको हमने पलट दिया। ये सभी के सभी कॉन्टैक्टर हैं, खोल के आपको दिखाएंगे इसके कॉन्टैक्टर कि इसकी जो पत्ती है वो उसमें कार्बन कैसे आती है। अब दोस्तों आपने इस प्रकार से इसको ओपन करना है, ऐसे थोड़ा सा ये पत्ती होती है साइड में लगी, दोनों तरफ क्लंप होते हैं, इनको ऐसे करना है, ये बीच में से ऐसे निकल जाएगी, ये देखिए। अब देखिए जो पत्ती है हमारी यहाँ पर कार्बन दिखाई दे रहा है, साफ साफ कार्बन, क्योंकि इसी कार्बन की वजह से हमारी जो मोटर होती है उसके पास जो प्रॉपर सप्लाई है 415 वोल्ट की वो नहीं जा पाती, जिसकी वजह से कई बार हमारी मोटर जलने का खतरा हो जाता है। अब इसको दोस्तों ऐसे साफ करेंगे यहाँ से, ये देखिए
जैसे आप किसी रेती के साथ इसके ऊपर रगड़ मारेंगे उससे ये सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा बिल्कुल साफ है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है, इनको साफ करेंगे। अब दोस्तों ये सभी तीन जो हैं, तीन इस तरफ ऐसे ही आपने साफ़ करनी है। जो हमारी ये पत्ती होती है इसको आपने नहीं छेड़ना है। अगर इसके ऊपर आपको कार्बन दिखाई दे तब आपने इसको रगड़ना है, नहीं इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर इसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ से साफ। देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये आप पूरी तरह से ये पत्ती हमारी साफ़ हो गई है। अब इस पे जो कार्बन है इसको भी हम करते हैं साफ। जितनी अगर आपको इसके ऊपर कार्बन दिखाई देती है तभी इसको साफ़ करें। अगर इसके पास कम कार्बन है तो कम साफ़ करें, इसको ज़्यादा ना रगड़ें। ऐसा ना हो कि आपकी ये जो पत्ती है इसकी जो मोटाई है वो कम हो जाए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको इसको रगड़ना है। अगर ये पत्ती की मोटाई कम हो जाएगी तब आपकी जो पत्ती है वो हीट होने लगेगी, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा रगड़ना है इसको। इसके ऊपर की जो कार्बन है, जो सभी की सभी पत्तियाँ हैं एकदम से साफ़ हो चुकी हैं। अब हम इस कॉन्टैक्टर को ऐसे ही बीच में डालते हैं। ये देखिए दोस्तों इसको डाल दिया। अब इसको ऐसे ही आपने टाइट कर देना है ताकि ये नीचे ना निकले। अब थोड़ा सा इसको भी, ये पत्ती ज़्यादा मुड़ गई थी इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको हमने सीधा कर दिया। अब दोस्तों ये देखिए ये सही हो गई। अब हम दूसरे को निकालते हैं कॉन्टैक्टर को। अब इस कॉन्टैक्टर को निकालेंगे बीच वाले को। अब बीच वाले की जो पत्ती है उसको देखेंगे कि वो सही है या वो भी ख़राब है। अब देखिए दोस्तों इस पे भी एक बार जूम करके आपको दिखाते हैं कि कार्बन कितनी है। ये देखिए दोस्तों कितनी कार्बन है आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितनी इसकी पत्ती है वो ख़राब हो चुकी है। उसी प्रकार से नीचे से अब इसको भी रगड़ देंगे ताकि ये भी सही तरीके से काम करे। देखिए दोस्तों इसको इसी तरीके से रगड़ देना है। एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखें, अगर ये कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को ऐसे इसके साथ ही लगाएं, इसको यहाँ से ऐसे ना लगाएं और इसको यहाँ से ऐसे ना लगाएं, क्योंकि इसमें एक जो कॉन्टैक्टर होता है स्टार के लिए और दूसरा होता है डेल्टा के लिए। क्योंकि जो हमारा स्टार होता है उस पर कार्बन ज़्यादा नहीं आती, जो हमारा डेल्टा होता है उस पर थोड़ी कार्बन हमारी ज़्यादा आती है। अब दोस्तों ये साफ़ हो गया, नीचे का रहता है इसको भी हम साफ़ करेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं सभी के सभी कॉन्टैक्टर हैं उनकी हमने जो है सफाई कर दी है। जो कार्बन थी सभी के सभी कॉन्टैक्टर की, वो उस कार्बन को हमने साफ़ कर दिया है। अब इसको फिट करते हैं। अब ये भी हमने दोबारा खोल दिया था क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो यहाँ पर रेत थी वो नहीं रगड़ी जाती थी, इसलिए इस प्रकार से अगर हमने ऐसे रगड़ते तो ये बीच में फंसता था, इसलिए हमने इसको निकाल दिया। इसके बाद इसकी भी सफाई कर दी और अब बचता है ये लास्ट है, इसकी पत्ती की नीचे सफाई कर दी है। अब ये बचती है, देखिए आपके सामने कितनी है, इसमें कार्बन बहुत कम है क्योंकि स्टार के लिए है। देखिए इसकी भी लगभग सफाई जो है पूरी तरह से हो गई है। ये देखिए अब इसको भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि जो स्टार का हमारा बटन होता है, जो स्टार का कॉन्टैक्टर होता है, उस कॉन्टैक्टर पे कार्बन कम होती है क्योंकि वो मात्र सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही होल्ड होता है। ये देखिए दोस्तों अब ये पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। अब हो गया साफ, अब इसको भी फिट करते हैं। अब ये थोड़ी सी है इसमें, इस पत्ती के ऊपर भी थोड़ी सी, इसको भी साफ़ कर देते हैं यहाँ से।
अगर इस पर आपको कार्बन दिखाई दे तब इसको आप साफ़ करना, वरना इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब देखिए पूरी तरह से साफ़ ये भी हो गई है। इसके ऊपर ज़्यादा रगड़ा हमने जो है नहीं मारना है। अब ये देखिए, अब इसको भी फिट करते हैं। देखिए दोस्तों, सभी के सभी हमारे कॉन्ट्रैक्टर इसमें सेट हो चुके हैं। अब एक बार आपको इसकी चेकिंग करके दिखाते हैं। अब इसको पूरी तरह से हमने एकदम साफ़ कर दिया है, जो साफ़ सफाई है स्टार्टर की पूरी तरह से कर दी है। अब इसके कनेक्शन करके आपको एक बार इसकी चेकिंग करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे हम टेर, ताकि ये हमारा स्टार्टर नीचे ना लगे। अब इसको हमने सेट ऐसे कर दिया है, देखिए पूरी तरह से सही से एकदम से ये इसके ऊपर रखा गया। ये देखिए सही हो गया। अब एक वायर को कसेंगे, ये येलो वायर है, इसको हम येलो स्विच जो है बटन है येलो पे ही कसेंगे। इसको कस दिया। अब हम देंगे इसको 220 वोल्ट की एसी सप्लाई, क्योंकि हमारे पास 220 वोल्ट की सप्लाई है, इसलिए हम 220 वोल्ट देंगे, क्योंकि वैसे इसको 440 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। अब दोस्तों इसको हमने दे दिया। अब एक वायर और लगाएंगे जो हमारी यहाँ से, अब क्योंकि स्टार्टर को चलाने के लिए, इसको हम ऐसे इसके नीचे दबा देते हैं। अब इसको हमने दबा दिया। अब ये जो हमारी ब्लैक वायर है जो मेन सप्लाई में से आती है, क्योंकि बटन में देना इसको बहुत ज़रूरी है, अब इसको देंगे हम रेड बटन पे, रेड स्विच पे। अब दोस्तों इसको हमने दे दिया। अब इसकी लगाते हैं हम मेन्स की लीड को सप्लाई में, दे दिया। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। दूसरा स्विच ऑफ, अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो स्टार्टर है वो बिल्कुल पूरी तरह से ओके हो चुका है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।